आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन डेट एंड टाइम फॉर्मूले के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सर, हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, बट आपने मोस्टली क्वेश्चन किए हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं कर पाया, चलिए वो क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू से लिया गया है या किसी की कोई पर्टिकुलर एग्जाम से लिया गया है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, वो देखिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने पूछा है कि मैं कोई भी मंथ डालूँ किस में, टैक्स में। हमने टैक्स में यहाँ पे डाला मार्च, तो इस महीने का स्टार्ट डेट और यहाँ पे एंड डेट अपने आप कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट डेट एंड डेट अगर नंबर में होता तो क्या करते, मान लीजिए कि 3 तीसरा अंक डाल रहा हूं, तो सिंपल कर लेते ना, क्या डालते, डेट का फॉर्मूला। डेट में 2020 मंथ हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और हर महीने की स्टार्ट डेट तो 1 से ही होती है ना, आ गया। और एंड मंथ के लिए हम ईओ मंथ डाल देते, इसको सेलेक्ट करते, कॉमा 0। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे अगर टैक्स में हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो उस केस में हम यहां पे क्या करेंगे, कॉनकेटनेट करेंगे। तो 1- कॉनकेटनेट हमने इसको सिलेक्ट किया, और फिर वापस -2020, क्योंकि हर महीने का फर्स्ट डेट तो फिक्स होता है ना, एंड डेट चेंज होता है। अब यहां पे ऐसा जो आपने कर लिया, पर डेट जो है डेट फॉर्मेट में नहीं, तो इसको डेट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट बने, क्योंकि टेक्स्ट है जो कि कॉनकेटनेट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कॉनकेटनेट क्या देता है, रिटर्न करता है टेक्स्ट, क्योंकि वो टेक्स्ट रिटर्न वो टेक्स्ट ही करेगा। आ गया। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि हमें डेट वैल्यू का फॉर्मूला ना लगाना, तो डेट वैल्यू का फॉर्मूला ना लगाना पड़े, तो मैं यहां ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा। ओके, ईओ मंथ, और हम सिलेक्ट करेंगे यहां 1- कोलकाता ने, हमने जैन लिया, फिर कोलकाता ने -2020, तो ईओ मंथ को टैक्स में नंबर दीजिए या जीरो में इसमें दीजिए, डेट में दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेट बना देगा। बट तो लास्ट बनाया ना, फर्स्ट कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट निकलने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे ईओ मंथ, इसको सेलेक्ट किया और बोला -1, तो -1 करने से क्या होगा कि इस महीने की प्रीवियस महीने की लास्ट डेट, मतलब कि दिसंबर का डेट आ जाएगा, आ गया। और पिछले महीने की लास्ट डेट में +1 करते हैं, तो इस महीने की फर्स्ट डेट आ जाती है, आ गई। अब यहां पे मैं जैन डालूं, फैब डालूं, तो स्टार्ट और एंड मंथ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। भुवन जी एंड ज्योति जी, समझ में आ गया आपको चीजें? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ओके, थैंक यू।